मंदसौर कुशभाव ठाकरे ऑडिटोरियम में जिला स्तरीय रोजगार मेले का हुआ भव्य आयोजन, सांसद सुधीर गुप्ता ने किया अवलोकन। मंदसौर के मौनी मंच मार्ग स्थित कुशभाव ठाकरे ऑडिटोरियम में आज जिला स्तरीय रोजगार मेले का भव्य आयोजन हुआ, जिसमें मंदसौर जिले के युवा युवती रोजगार तलाशने के लिए पहुंचे। इस जिला स्तरीय रोजगार मेले में बाहर से भी कंपनी आई है और बेरोजगार युवक युवतियों को मिला है। मंदसौर जिले में लगातार जिला स्तरीय रोजगार मेले का आयोजन हो रहा है, जिसमें कई लोगों को रोजगार मिल रहा है। सांसद सुधीर गुप्ता ने भी जिला स्तरीय रोजगार मेले का निरीक्षण कर आई कंपनी के अधिकारियों से चर्चा की और साथ ही प्रदेश के साथ साथ जिला स्तरीय रोजगार मेला कुशभाव ठाकरे ऑडिटोरियम मंदसौर में आयोजित किया गया। प्रदेश स्तरीय कार्यक्रम उज्जैन महितपुर में आयोजित किया गया। उक्त कार्यक्रम का लाइव प्रसारण कुशभाव ठाकरे ऑडिटोरियम में देखा सुना गया। जिला स्तरीय रोजगार मेले में 69,633 हितग्राहियों को 4,77,85,55,000 की राशि का हितलाभ हितग्राहियों को वितरित किया। यह हितलाभ प्रधानमंत्री मुद्रा योजना, प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन, राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन, मुख्यमंत्री ग्रामीण पथकर विक्रेता, मुख्यमंत्री उद्यम क्रांति योजना, संत रविदास स्वरोजगार योजना, डॉक्टर भीमराव आर्थिक कल्याण योजना, प्रधानमंत्री रोजगार सर्जन कार्यक्रम, पीएम सूक्ष्म खाद्य उद्यम उन्नयन योजना, भगवान बिरसा मुंडा स्वरोजगार योजना एवं टट्टिया मामा आर्थिक कल्याण योजना के अंतर्गत हितग्राहियों को वितरित किया। कार्यक्रम के दौरान सांसद सुधीर गुप्ता, नगर पालिका अध्यक्ष रमा देवी, बंसीलाल गुर्जर नरेश चंदवानी, अरविंद सारस्वत सहित अन्य जनप्रतिनिधि, कलेक्टर दिलीप कुमार यादव, सीओ जिला पंचायत श्री कुमार सत्यम, उद्योग विभाग महाप्रबंधक जयंत जैन, आईटीआई प्राचार्य, लीड बैंक मैनेजर सहित सभी जिलाधिकारी, युवा आमजन, पत्रकार मौजूद थे। मीडिया से चर्चा करते हुए सांसद सुधीर गुप्ता ने गुरुवार को 12:45 पर बताया, बदलता हुआ भारत है, बदलता हुआ दौर है, और चूंकि भारत की जो ताकत है वो युवाओं के बीच में है और उनको दिशा मिले, उनको समझें लोग और उनके लिए क्या बेहतर हो सकता है ये बताने की कोशिश करें और उनके अंदर क्या है वह देश दुनिया को बताएं, क्योंकि जिस तरीके से भारत ने अपने को पूरी पृथ्वी के सामने एक लीडर के रूप में प्रस्तुत कर दिया है, हम नीचे से 5 की गिनती में आने वाले देश के बजाय हम ऊपर से 5 की गिनती में हैं और हमारी प्रतिस्पर्धा अब 4th नंबर पर आने की कि जर्मनी को क्रॉस करके हम कैसे आगे आ जाएं, और इसीलिए प्रतिस्पर्धी बाज़ार में हमने रशिया, इंग्लैंड जैसे कई देशों को पीछे कर दिया है और उसकी हमारी जो दौलत है वो हमारे युवा हैं और इसीलिए युवाओं के मन में उत्साह इन मेलों के माध्यम से बना रहता है। ये अपनी संभावनाओं को समझते हैं, क्या कर पाएंगे ये इसके कारण इनके मन के अंदर प्रेजेंट होता है और मैं समझता हूँ कि ऐसे आयोजन होते रहने से बार बार युवाओं के मन में अपनी राह चुनने के अवसर स्वयं डिजाइन करने का मौका मिलता है। राहुल, ये जिला प्रशासन मंदसौर का जो मासिक रोजगार अवसर मेला लगता है ये उसी उपक्रम में एक आयोजन है। यहाँ पर हमारे महाविद्यालय का भी एक काउंटर है और अन्य कम से कम 19 कंपनियों के काउंटर हैं। यहाँ पर कैरियर काउंसलिंग की भी व्यवस्था की गई है और कई बच्चे यहाँ पर अपना बायोडाटा भी विभिन्न कंपनियों को सबमिट कर रहे हैं, जिससे उन्हें रोजगार संबंधी संभावनाएं उनकी बढ़ती हैं। दूसरी बात यह है कि महाविद्यालय के लगभग 1,000 से ज़्यादा विद्यार्थियों का मूवमेंट यहाँ पर हमने प्लान किया है और आप यहाँ की भीड़ से अंदाज़ा लगा ही सकते हैं कि बच्चे इस आयोजन में पूरी रुचि ले रहे हैं और इस अवसर का पूरा लाभ उठा रहे हैं।